हमें आज आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एमपीएस लॉ। एमपीएस लॉ का यूज क्या होता है? इट इज यूज टू फाइंड इज ऑल्टरनेट मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। फॉर करेंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस मस्ट बी या मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, करंट सोर्स शुड भी बोल सकते हैं हम लोग। सोर्स ऑफ करंट या सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिकली होता है। जैसे कैसे हमारा गॉस लॉ था, ठीक है, गॉस लॉ किसके लिए था? सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, ठीक है। ठीक उसी तरह से एम्पियर्स लॉ होता है ना, वो सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, याद रखना। और ये जो एम्पियर्स लॉ हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, अब ये करंट कैरिंग वायर क्या करती है? अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। मैग्नेटिक फील्ड के पीछे रीजन क्या होता है? तो आंसर है करंट होता है। अब यहां पर अगर हम आते, लंबी सी वायर है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम अगर निकालेंगे तो ये तो हमको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था लॉन्ग वायर के लिए यू नॉट बाय 4 पाई I/R था, ये फॉर्मूला था फील्ड के लिए। जैसे जैसे आर को हम बढ़ाएंगे, अगर हम दूर जाएंगे और दूर गए, लगातार जो फील्ड की वैल्यू है वो डिक्रीज करती चली जाती है, घटती चली जाती है। और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे हम क्या देखते हैं कि जो सर्कल बनेगा डिस्टेंस को रेडियस मान करके, वो रेडियस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ये रेडियस बढ़ रहा है तो हम देखते हैं रेडियस तो बढ़ रहा है, सर्कमफेरेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन फील्ड जो है वो घट रहा है। तो हमने हमको यहां से रिलेशन समझ में आया कि जब हम दूर जाते हैं फील्ड घटता है, लेकिन जो रेडियस होता है, जो सर्कमफेरेंस होता है, वो तो बढ़ता चला जाता है। और हम लोग पता है हमेशा से फिजिक्स में, हम लोग चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, हम लोग हमेशा से शौक रखते कोई कांस्टेंट ढूंढने का। अगर हमें कांस्टेंट मिल जाता है तो हमारे को उससे नई नई चीजें सीखने के लिए मिलती है। जैसे याद करो तुम लोग कि प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम घटेगा, ये हमने पढ़ा था। लेकिन क्या देखा गया था बॉयस ने कि अगर प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, लेकिन कोई चीज तो ऐसी थी जो कॉन्स्टेंट था, वो तो पीवी था, जो कि इसके चेंज होने से नहीं चेंज होता है। प्रेशर बढ़ा दो वॉल्यूम घट जाएगा, इस सच्चे का पीवी रिमेंस कांस्टेंट। तो हम लोग जैसे हर चीज में हम लोग कोई कांस्टेंट है, ये होता है ना, यहाँ पर भी हमने कांस्टेंट को देखा और हमने ये देखा यहाँ पे कि एम्पियर ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि एक छोटी सी बात थी कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं फील्ड घटता चला जाता है, लेकिन सर्कमफेरेंस बढ़ता चला जाता है। अगर हमने यहाँ का सर्कमफेरेंस नापा, अगर मान लो यहाँ का सर्कमफेरेंस अगर आता है 1, तो उससे देखा यहाँ पे फील्ड था 100, वो दूर चला गया, उससे देखा कि यहाँ का सर्कमफेरेंस हो गया 2, लेकिन यहाँ पे फील्ड घट के हो जाता है 50, वो और आगे गया
तो उसने क्या देखा कि यहाँ का जो सर्कमफेरेंस था वो जाता था 3, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो फील्ड है वो हो गया था 100/3, वो और दूर गया, देखा यहाँ का सर्कमफेरेंस हो गया फील्ड, यहाँ का फील्ड हो गया 100/4। अब तीन सबको मल्टीप्लाई किया गया, 100 आया, 100 आया, 100 आया, 100 आया, ठीक है। तो कोई चीज हमको कॉन्स्टेंट मिली ना, वो कॉन्स्टेंट क्या मिल गया, फील्ड इंटू सर्कमफेरेंस, मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड को वहां बने हुए सर्कल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल भाषा में हमने किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को निकाला और हमने उस पूरे अराउंड के मैग्नेटिक फील्ड को हमने उसके सर्कल के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। हम देखते थे वो दूर जाते जाते भी वो हमेशा कैसा रहता था, उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती, ठीक है। और ये हमको दिख रहा है, हमको यहाँ पे बढ़ रहा है, घट रहा है, हमको दिख रहा है, क्योंकि हमने फील्ड के बारे में पढ़ रखा था 20 यूनिवर्सिटी/2 आर, और यहाँ पे सर्कमफेरेंस बढ़ रहा है, हमको दिख रहा है। तो यही चीज एम्पियर ने भी ऑब्जर्व की, ठीक है, और उसने क्या किया, यही चीज को उसने एक प्रॉपर मैथमेटिकल वे से उसने उसको लिख डाला, ठीक है। उसने कैसा लिख डाला, देखो, उसने ऐसा बोला कि BDL, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेंथ भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और कितनी करंट दिख रही थी यहां से, तो वो ये हो गया फील्ड इनटू लेंथ। और ये कांस्टेंट उसने क्या बोला, ये कांस्टेंट उसने बोला, ये कांस्टेंट था म्यू नॉट आई, है ना। तो हमने क्या सीखा था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय नॉट आई बाय आर था ना, इनटू डिस्टेंस को 2πr से मल्टीप्लाई कर दो, आर आर कर दिया, आ रहा ना यहाँ पे, म्यू नॉट बाय 2π था सर, उसको म्यू नॉट बाय 2π, ठीक है, म्यू नॉट बाय 2π ऐसा कुछ होगा। तो हमने जब मल्टीप्लाई करके देखा तो यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू नॉट आई बाय म्यू नॉट आई बचेगा, ठीक है। तो जैसे उसके लिए था, तो यहाँ पे बोला कि कॉन्स्टेंट क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि ये लॉन्ग वायर के लिए था ना, लॉन्ग वायर के लिए क्या था, म्यू नॉट आई बाय 2πr था। तो अगर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया वहां की लेंथ से, वहां के बने हुए सर्कमफेरेंस से अगर, ठीक है, क्योंकि 2πr होता है, तो क्या आएगा, देखो तो कट के म्यू नॉट आई बचेगा ना। तो कहने का मतलब ये था कि हो सकता वो भी यही चीज देख करके इंस्पायर हुआ, ठीक है। हालांकि लॉन्ग वायर के लिए हमको इस मेथड से निकालना पड़ेगा, लेकिन तुमको मैंने इसे समझाने के लिए और एक बात के लिए बता दिया। तो उसने क्या बोला कि उसने सिंपल भाषा में यही बोला कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को लेंथ से सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये देखा जाएगा कि उसकी जो वैल्यू आती है वो कांस्टेंट रहती है, और वो कांस्टेंट क्या हो जाता है, म्यू नॉट इनटू आई होता है, जहाँ पे म्यू नॉट क्या था परमेबिलिटी और आई क्या था करंट था। तो इसी को हम लोग एम्पियर्स लॉ को वर्ड्स पे लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू, और यहाँ पे डॉट क्यों लगाया गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर होता है, लेंथ भी वेक्टर होता है, तो अब और हमको मिलके क्या करंट देता है कांस्टेंट, क्योंकि वो तो करंट पे डिपेंड करेगा, करंट स्केलर होता है, तो दो वेक्टर से हमको स्केलर कब मिलता है, जब बीच पे डॉट आता है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is equal to the current threading के बदले तुम यहाँ पे passing लिख सकते हो, लेकिन threading जो ना ज़्यादा अच्छा word है, ठीक है। तो ये बोला गया कि लाइन इंटीग्रल, लाइन मतलब लाइन से लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दिया उसको, क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, मतलब कि दैट इज इक्वल टू द करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, मतलब थ्रेडिंग मतलब यहाँ पे क्या हो गया, थ्रेडिंग मतलब हो गया जैसे, कैसे मान लो हमारे पास कोई, जब हम कोई कपड़े को सिला जाता है तो सुई ली जाती है, ठीक है, और सुई के लिए धागा बांध दिया जाता है, ठीक है, और सुई को हम लेते हैं ऐसे करके पास करवाते हैं, ना सुई ऐसे पास होगी, तो हमने क्या बोला कैसे थ्रेडिंग, ठीक है, सुई धागा ऐसे यूज करके करते, इसलिए बोलते थ्रेडिंग थ्रू द लूप, मतलब लूप के। यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि
जो भी इसका जो मल्टीप्लाइड वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू द करंट थ्रेडिंग, मतलब ये करंट है, ठीक है। तो एक लूप अगर हमने लिया तो ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कितना लाइन इंटीग्रल बीडीआर कितना बनेगा। ये डेफिनेशन होगी, वो तो तुमको जैसी है उसको वैसे हमको याद कर जानी। दूसरी बात देखो यहाँ पे आगे, कि अगर मान लो हमारे पास अगर ऐसे कोई लूप है, हमारे पास यहाँ से दो करंट पास हो रही है, तो करंट होती तो स्केलर है लेकिन डायरेक्शन तो होता उसके पास। तो यहाँ पे अगर हमने प्लस आई ले लिया है तो बॉटम के लिए हम क्या लेंगे, माइनस आई लेंगे। नेट करंट कितना हो जाएगा, तो आंसर है जीरो, क्योंकि ऐड कर दो, है ना। टोटल करंट, ये आई क्या होती है, दिस इज द टोटल करंट इन साइड द लूप। टोटल करंट कितना हो गया यहाँ पे, जीरो हो गया। यानी कि अगर इसके साथ लूप के साथ अगर हमने बी डी एल को निकाला तो हमको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी, ठीक है। आई बात सबको समझ में। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पर जो हमारे सामने जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ठीक है, जो जो भी हमारे सामने जो डेरिवेशंस आएंगे, वो डेरिवेशंस में हमारे सामने तीन केसेस मिलेंगे हमको, ठीक है। जैसे कि तुम लोग सोलेनोइड का पढ़ोगे, तुम लोग लॉन्ग वायर के लिए पढ़ोगे, टॉरॉइड के लिए पढ़ोगे, तो तीन ही केस मिलेंगे। पहला केस जहां पे बी वेक्टर मेक्स जीरो डिग्री विथ डीएल वेक्टर, तो यहाँ पे बी इंटू डीएल इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, वन हो जाता है, हमारा हमको निकालना है, सॉल्यूशन मिलेगी। बी वेक्टर मेक्स 90 डिग्री विथ डीएल वेक्टर, ये केस मिलेगा हमको। या नहीं तो हमको एक केस मिलेगा, बी वेक्टर मेक्स बी वेक्टर इज जीरो, ये है जीरो मैग्नीट्यूड। अगर ये तीनों केस हमको कहीं मिल जाते ना, तो हमारे लिए एम्पियस लॉ अप्लाई कर पाना बड़ा ही आसान हो जाए, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, एम्पियस लॉ को अगर कोई भी आड़ा तिरछा एंगल अगर हमको मिल जाएगा तो हमारे लिए उसको अप्लाई करना कैसा होता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर जाना तुमको, और याद रखना ये जो हम पूरा पढ़ रहे हैं, दिस इज वेरी सिमिलर टू गॉस लॉ। यहां पे हम लोग को जो लूप मिलेगी ना, वो लूप मिलेगी एम्पीरियन लूप हमको लेगी। जैसे याद करो हमारे पास, मैं एक बार छोटा सा रिवीजन भी देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस उस तो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। ईडीएस था यहाँ पे बीडीएल है, वहां पे सरफेस लेते थे, यहाँ पे लेंथ लेते हैं, वहां पे एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे म्यू नॉट है, वहां पे चार्ज एनक्लोज था, यहाँ पे करंट एनक्लोज है। चार्ज प्लस माइनस था, करंट प्लस माइनस होती है, ऊपर को प्लस ले लो नीचे को माइनस ले लो, उल्टा भी कर सकते हैं। वहां पे गॉसियन सरफेस था, यहाँ पे क्या होती है, एम्पीरियन लूप होती है। एम्पीरियन लूप क्या होती है, इट इज इमेजिनरी लूप ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है, सर्कल हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, ठीक है। और जैसे इसमें क्या 3D था एक्चुअली, मतलब स्फीयर था, सिलेंडर था, गॉस सरफेस में गॉसियन सरफेस सिलेंडर था, स्फीयर था, ठीक है। तो यहाँ पे 2D होती है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है, ऐसे होती है, ये शेप होती है वहां पे, ऑन विच बी वेक्टर इज सेम on a large part or whole of it। मतलब एक इमेजिनरी सर्कल होती है जिसके जिसके मैग्नेटिक फील्ड की कैसी होती है, सेम होती है। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बोलेंगे सेम होती है, मतलब कि वो जो होगी उसकी वैल्यू और उसका डायरेक्शन, ठीक है, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। लार्ज पार्ट मतलब हो सकता है, जैसे मान लो कोई रेक्टेंगल बना, ठीक है,
तो उसके इस पूरे पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इस पे अलग होगी लेकिन इसके पूरे पार्ट पे सेम होगी, इस पे अलग होगी लेकिन इसके पूरे पार्ट पे सेम होगी। तो बोला कि लार्ज पार्ट और होल पे, ऐसा भी तो होल पे सेम हो, तो मान लो कि सर्कल है, इसके पूरे सर्कल के हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी। तो हमको एम्पियर लूप जो हम बनाते हैं बहुत चालाकी से बनाते हैं कि हमारा जो कंडीशन है ठीक है कि वो सेटिस्फाई हो जाए। ऐसा नहीं कि हम एम्पियर लूप कोई भी शेप की बना देंगे जहां पे वो फिट भी नहीं बैठता, ठीक है। जैसे गॉसियन सरफेस कैसे था, कोई इमेजिनरी सरफेस था जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन सेम थी। एम्पियर लूप क्या होता है, ये भी इमेजिनरी लूप होती है, ठीक है, मतलब 2D में होती है, जिसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है। और उसके बाद यहाँ पे वी से लूप इज सिमेट्रिक इन नेचर, कैसी होती लूप, वो सिमेट्रिक इन नेचर। और इस लूप की एक खास बात और होनी चाहिए, इट शुड पास जो भी गॉस पे हमने लिखा था ना, मैं वही रिपीट कर रहा हूं, इट शुड पास थ्रू पॉइंट एट विच वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये उस पॉइंट से पास होनी चाहिए जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। याद रखना, हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम एम्पीरियन लूप पे निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई लूप है, हम इस लूप पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और जब हम लूप पे निकालते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको ऑटोमेटिकली जिस पॉइंट पे निकालना होता है उस पॉइंट, वो पॉइंट लूप पे लाइक करेगा, तो हमको उस पॉइंट पे भी मिल जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा, ठीक है। निकालते पूरे लूप पे, लेकिन हमको ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पे मिल जाता है, बिकॉज वो पॉइंट कहाँ पे होता है, वो पॉइंट तो लूप पे होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है एम्पीरियन लूप का थोड़ा सा डिस्कशन भी हो गया। तो एम्पीरियन लूप सिमेट्रिक होनी चाहिए, जो उस पॉइंट से पास होनी चाहिए जहां से हमको, जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और एम्पीरियन लूप के बड़े वाले पार्ट या उसके पूरे पे ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी होती, सेम होती है। जब मैं फील्ड बोल रहा हूँ सेम होता है, मतलब फील्ड की वैल्यू और फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। अब हम आते हैं एम्पीयर लॉ की एप्लीकेशन के ऊपर। इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है ना, वो है हमारा क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। नया टॉपिक क्या, एप्लीकेशन ऑफ एम्पीयर्स लॉ। पहला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉ। एक हमें लॉन्ग वायर ली, लॉन्ग वायर का मतलब पता ही क्या होता है, एक ऐसी वायर जिसके लिए, ठीक है, या जिसके लिए जो पॉइंट होगा, ठीक है, जिसकी लेंथ पी के डिस्टेंस के सामने बहुत बड़ी हो। मान लो वायर की लेंथ 1 मीटर है और पॉइंट पी की दूरी मान लो खाली है 0.1 सेंटीमीटर, तो ये हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग वायर बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो की आई निकालना आपका मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे यहाँ मान लो कि पॉइंट पी है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तुम्हारा सबसे पहले रूल क्या था कि एम्पीरियन लूप ड्रॉ करो, ये हमारा एम्पीरियन लूप हो जाएगा।
है, और ये यहाँ से एंटर करता है, ठीक है, और ये यहाँ से एग्जिट कर जाता है। ठीक है, यहाँ से एंटर किया, यहाँ से एग्जिट कर दिया, एक ही वायर है। पॉइंट पी कहाँ पे, यहाँ पे पी देख सकते हो, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, या एम्पीरियन लूप हो गया जो हमारा ग्रीन कलर की लाइन है। अब बिल्कुल सिमेट्रिक है, जितना इधर होगा रेडियस उतना रेडियस इधर भी होगा, बीचों बीच से पास होगी। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में अगर आते हैं तो हमको क्या, जो लंबी लंबी कहानियाँ होती है वो लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने बता के रखा था, मैं स्टेप तुमको बता देता हूँ, स्टेप को जरूर फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ एम्पीरियन लूप, ठीक है, डिस्क्राइब इट, ठीक है, स्पेसिफाई डायरेक्शन बिटवीन। इस स्टेप अगर याद रखोगे ना तो कहीं कोई मास्क कटने के कहीं कोई चांस नहीं है। स्पेसिफाई एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। दूसरा स्टेप कैलकुलेट बी डी एल, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करंट एनक्लोज्ड, चौथा यूज एम्पियर्स लॉ, ठीक है। पहला स्टेप लिखते हैं, ड्रॉ एम्पीरियल लूप, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये ड्रॉ कर दिया हमने, डिस्क्राइब भी कर देते हैं, फिर एम्पीरियल लूप इधर सर्कल या को एक्सियल सर्कल, तो ये एक्सिस सर्कल की एक्सिस कैसी होगी, इसके इसका जो परपेंडिकुलर पास करेगा, और ये किसके, ये वायर के लॉन्ग है ना, या को एक्सियल सर्कल ऑफ रेडियस आर। हमको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालनी है, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है डिस्टेंस आर पे निकालनी है ना, तो हमारा हमको आर पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमको डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी लिखा था कि एम्पीरियल लूप उस पॉइंट से पास करनी चाहिए। अगर एम्पीरियल लूप उस पॉइंट से पास करी है तो उस एम्पीरियल लूप का रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। स्टेप ए, स्टेप बी स्पेसिफाई एंगल बिटवीन द बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। अब देखो, अभी यहाँ पे सबको आता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालने के लिए, बाय राइट हैंड थंब रूल। जिधर भी करंट फ्लो कर रही है उधर अपने थंब को दिखा दो, सबको पता है थंब ऊपर दिखाओगे राइट हैंड का, और फिंगर्स को कर्ल करो। यहाँ पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी जाएगी, इनटू द स्क्रीन जाएगी, उंगली को घुमा, पूरे फिंगर्स को घुमा दोगे ना, तो अगर यहाँ पे देखिए हम लोग, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, यहाँ देखे 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 ऐसे जाएगी, यहाँ देखे ऐसे जाएगी, ठीक है। ऐसे करके हमने मैग्नेटिक फील्ड सबको दिखा दिया। ठीक है, सबकी कैसे जा रही है, टेंजेंशियल जा रही है। तुम कोई भी लाइन को पकड़ लो, हमने इसको अगर पकड़ा, ठीक है, तो इसको जब पकड़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, देख लो यहाँ से ये टेंजेंशियल है, ये रेडियस ऐसा हो जाएगा, यहाँ पकड़ा ये ऐसे जाएगा, यहाँ पकड़ा ऐसे जाएगा। हर बार जो फील्ड का और रेडियस का जो एंगल जो बनेगा ना, वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, एंगल बिटवीन वे फ्रॉम फिगर
तुमको एक ही एरो बना देना, ठीक है, समझाने के मैंने बनाया था, तुमको एक ही एरो बना देना और डायरेक्शन दिखा देना, ठीक है। हियर फ्रॉम फिगर बी वेक्टर इज टेंजेंशियल अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, देयरफॉर ये रेडियस है। अच्छा रेडियस के साथ कंपेयर, रेडियस को तो मतलब ही नहीं था बोलने का मेरे को, ठीक है। एक्चुअली आइडियल किधर हो जाएगा, आइडियल तो इधर ही होगा ना, ये आइडियल हो जाएगा ना, देखो तो एक्चुअली रेडियस का कोई मतलब नहीं बना करके, रेडियस का काम भी नहीं है, एक ड्रॉ कर दिया काफी है, ठीक है। एक खाली रेडियस खाली दिखाने के एंगल का कोई मतलब नहीं है, आइडियल इधर है और बी वेक्टर भी किधर होगा, इधर ही होगा, बी वेक्टर इधर है, करंट एलिमेंट भी इधर है, यहाँ बी वेक्टर इधर है, करंट एलिमेंट भी इधर है, बी वेक्टर इधर है, करंट एलिमेंट भी इधर है, सब टेंजेंशियल है। टॉम फिगर इज टेंजेंशियल अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल एंड देयरफॉर एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आइडियल वेक्टर इक्वल टू 0 डिग्री, पहला स्टेप हो गया, तो हमने ये लिख दिया, डिस्क्राइब भी कर दिया। सेकेंड कैलकुलेट बी डी एल, तो बी, अब देखो पूरा फिगर सिमेट्रिक है तो बी कॉन्स्टेंट रहेगा, अगर बी कॉन्स्टेंट रहेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि बी को बाहर निकाल दो, b इंटू डी एल क्या हो गया 2πr हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हमारा, कैलकुलेट करंट एनक्लोज, तो करंट तो एक ही बार तो पास कर ही है, करंट एनक्लोज इक्वल्स टू i, ठीक है। उसके बाद यूज एम्पियर्स लॉ टू फाइंड फील्ड, फोर्थ स्टेप मैं कर सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल नॉट आर, बी डी एल कितना बी इन टू पर आ रहा है ना, क्वेश्चन यू नॉट आई, बी क्या हो जाएगा नॉट आई बाय 2πr, ये वही फॉर्मूला हो गया जो हमने पहले भी सीखा था, लेकिन वो हमने लॉन्ग मेथड से निकाला था, ये हमने शॉर्ट मेथड से निकाला। याद रखना कि इसके लिए वायर लॉन्ग होना कंपलसरी, अगर वायर लॉन्ग नहीं होगी तो सिमेट्री सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, बिकॉज अगर सिमेट्री, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हमने कहीं भी लूप ले ली ऐसे तो क्या अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, अगर वायर फाइनाइट की होगी ना तो अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होता है ना, अल्फा बीटा पर डिपेंड करा था वो ये खाली इनफिनिट के लिए वैलिड होती है, ठीक है। तो इसको बस नोट कर जाना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कहते हैं, कल जो है ना, कल हम लोग ये इसको एम्पियर्स लॉ को पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे कल हम लोग एंट्रेंस के टॉपिक में, ठीक है। आज के लिए काफी इतना, और हाँ सुना एक चीज और कि मैं शायद से ना कुछ बच्चों को डाउट्स है मैग्नेटिज्म में एंट्रेंस के क्वेश्चंस में, वो सॉल्व करें अपना, मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा शायद से 9:30 बजे, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, जो भी इंटरेस्टेड है ना वो बैठ जाना, ठीक है, सीख लेना। एस सी वर्मा के मैं शायद से 42, 43, 44 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जिसको भी डाउट है वो बैठ जाना, और प्लीज़ अपने पेरेंट को ज़रा फीस के इन्फॉर्म कर देना, बस काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है, तो बोलना कि ट्यूजडे तक की फीस पे कर देंगे, जिसकी जिसकी बाकी है, ठीक है। अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, कल हम लोग एमपीएस लॉ को खत्म करेंगे और बायो सावर्ट्स लॉ उसका सर बोलो मूविंग चार्जेस वाला भी स्टार्ट कर दे। हाँ स्टार्ट, तुम देखो, तुम अगर तुमको जो भी स्टार्ट करना तुम कर दो, ठीक है, तुम्हारे जो भी डाउट्स है ना, अगर जो भी हमारा अगर एंट्रेंस का थोड़ा पीछे भी चल रहा होगा, तुम्हारे जो भी डाउट्स है ना एससी वर्मा के, वो मैं
पर्सनली लेके क्लियर कर दूंगा, ठीक है, तुमको कहीं रुकना नहीं है। बाकी तुमको जो शीट मिलती चली जाएगी, तुम वो शीट कर रहे हो, उसके अलावा तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम तुमको मिलता है, तुम वो कर लो। इनफैक्ट अगर तुम ऐसा बोलोगे कि सर हम लोग को 11th के भी आप डीपीपी दे दो, ठीक है, तो मैं तुमको वो भी भेजने के रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा जो मैं शीट दूँ ना, उसके अलावा तुम्हारे पास जो भी समय बचे तुम उस पर जो चाहो वो कर सकते हो। मैं तुम्हारे डाउट्स को अलग से, चाहे 9 बजे पढ़ो चाहे 9:30 बजे पढ़ो, मैं अलग से डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। जैसे आज मैं सागर ने मेरे को 300 भेजे थे, तो वो मैं आज क्लियर करूंगा 9 बजे, तो 9:30 बजे मैसेज करके, तो वैसे तुम्हारे भी होंगे तो मैं तुम्हारे भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो मैं क्लास हेड कर रहा हूँ, ठीक है।